ओम नमः शिवाय, राधे राधे। आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य का छठा अध्याय। सनत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्षकारक महात्म्य सुन लिया। अब आप श्रावण मास में सोमवार का महात्म्य मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ तो है। फिर उमा सहित सोम मेरे नाम वाले उस सोमवार का कहाना क्या है? उसका जो महात्म्य मेरे लिए वर्णन के योग्य है, उसी में आपको कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों का आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह वार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसलिए यह समस्त राज्यों को प्रदाता है तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, उसकी विधि सुनिए, मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। बारहों महीने में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के लिए यह व्रत का फल प्राप्त करता है। श्रावण में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करें कि मैं विधिवत इस व्रत को करूंगी, शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन यदि पांच हो जाएं तो उसमें भी प्रातः का यह संकल्प करें और रात्रि में शिव जी का पूजन करें। 16 उपचारों से सायंकाल में भी शिव जी की पूजा करें और एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर ले और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करके मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाए। इनके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अपिष्ट पूजनोपचारों के द्वारा त्र्यंबक इस मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करें। उसके बाद कहें, मैं शिव भावना से महादेव उग्र उग्रनाथ भाव शशिमौली रुद्र नीलकंठ शिव भावनाश तथा भवहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवी शिव का विधिवत पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिएगा। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव की पूजा करते हैं, वे पुनरावृत्ति से रहित अच्छे लोग प्राप्त करते हैं। हे सनत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अभीत 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए, अथवा इस अति उत्तम व्रत को उपवास पूर्वक करें। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है। वह जिस जिस अभीष्ट की कामना करता है उसे पा जाता है। इस लोक में दीर्घकालिक वांछित सुख भोगों को भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान स्वर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। इसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद एक दिव्य तथा लिंगतो भद्र मंडल बनाएं तथा उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करें। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर
उमा सहित शिव को स्थापित करें। उसके बाद श्रुति स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव की पूजा करें। पुष्पों को मंडप बनाएं तथा उसके ऊपर सुंदर चंदुआ लगाएं। उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करें। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने गृहाशात में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापन करें और फिर सवादी 11 श्रेष्ठ नामों से फलास की संविधाओं में से 108 आहुति प्रदान करें। यव, व्रीहि, तिल आदि की आहुति आप्यायश्व इस मंत्र से दें और बिल्वपत्रों की आहुति त्र्यंबक अथवा षडक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करें। उसके बाद स्विष्ट कृत होम करके पुराहुति देकर आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गौ प्रदान करें। उसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें वंशपात्र सहित 11 घाट प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवता को तथा देवता को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दें और तत्पश्चात प्रार्थना करें, मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस जिस अभिलषित वस्तुओं की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी उस व्रत के करने का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य सोमवार व्रत कथन नामक 6 अध्याय पूर्ण हुआ।